हेलो स्टूडेंट आई एम मिक्सिंग योर इंग्लिश टीचर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ द सेना या बसमल्ला खान ओके तो फर्स्ट चैप्टर था आपका द हेड फंद चैप्टर था आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक इसमें भी आपके दो पार्ट हैं हैी वाला और ये बसम खान वाला तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं शुरू करते हैं जी जो औरंगजेब था उसने पंगी को बैन कर दिया प्ले करने से क्योंकि उसने कहा कि इसका साउंड बहुत ही अनप्लेजेंट है और लोगों को ये उम्मीद थी कि जो पुंगी दबार से रिवाइव होगी उन्हें लगा और एक बार बार था फैमिली से जिसकी काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छा म्यूजिक मुझ, म्यूजिक थे वो पहले से ही संगीतकार थे और उनकी पहुँच थी शाही प्लेस तक मतलब जो वो क्या थे वो इसे कहते हैं ना राज आ, राज संगीतकार ऐसे करते हैं जो जो आ, कोर्ट में रहते हैं जो राजाओं के पास रहते हैं ऐसे करके वो थे तो उनको उम्मीद थी कि भाई ये जो पुंगी है ये इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या क्या किया उसने एक पैप ली उसमें सेवन होल्ड किए और पुंगी से उसे बड़ा किया थोड़ा चौड़ा रखा समझ में आया उसे देखो ये पुंगी आपकी और ये आपकी सेना है देख सकते हैं आप लोग तो इससे तो थोड़ी बड़ी है ना ऐसे करके उसने उस पर सेवन होल्ड किए और उसे फिर उसे प्ले किया और उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग जो उसके होल्स थी उसको ऐसे करके बंद कभी ये सम्भाल ये आपके ये होल्स हैं इनको बंद किया खोला ऐसे करके शुरू किया उन्होंने ठीक है तो फिर क्या था जो साउंड था बहुत अच्छा निकलने लगा और जो कोर्ट में उसे प्ले करवाया गया होंगी उसको सेनाई को तो सेंसा खुश हो गया तो फिर फिर उसका जो नाम हुआ था सेनाई का कैसे हुआ कि भाई ये सेनाई जो है सेंसा के उसमें प्ले हुई चैम्बर में और इसको एक शाही नाई ने प्ले किया तो इसका नाम रख दिया सेनाई ये हंसने में एक सा लगेगा कि भाई सेनसा के लिए तो से, और नाइन ने पे तो नाई ठीक है सेनाई ऐसे करके इसका नाम पड़ा आगे देखते हैं जो साउंड है सेनाई का बहुत ही ऑफिस था और पहले तो स्टार्टिंग हुआ ये टेंपल्स में फिर बाद में साउथ इंडियन साउथ इं, नॉर्थ इंडिया है वहां में उसमें जो वेडिंग बैडिं, वेडिंग होती है उसमें शुरू कर दिया नॉर्थ इंडिया जानते हो आपका दिल्ली जो और यूपी वेस्ट है हमारा ये सब नॉर्थ इंडिया में आता है और हरियाणा वगैरह ये सब तो यहाँ पे आप आज भी क्या है जो शादियों में ये सेनाई प्ले होती है और पहले ये जो नाइन इंस्ट्रूमेंट्स थे कोर्ट में उनमें भी इस स्थान था सेनाई का और अभी भी है ऐसा मानते हैं और आज भी जो ये सेनाई है वो प्ले होती है टेम्पल्स में और वेडिंग्स में इसका क्रेडिट जाता है केवल बसमल्ला खान को ऐसा मानते हैं सब लोग अब क्या हुआ था अब जो बसमल्ला खान के बारे में अब शुरू होती ये पूरी क्या है वो ये बायोग्राफी है बसमल्ला खान की थोड़ा सा इन्होंने बताया कि सेनाई क्या है कैसे कैसे ये आगे ग्रो हुई है लेकिन अब पूरी जो कहानी आएगी किसके बारे में आएगी बिस्मिल्ला खान के बारे में आएगी इनकी बायोग्राफी है तो जब वो फाइव फाइव ईयर के थे बिस्मिल्ला खान तो उनका शौक था जो खेलते ना बच्चे खेलते हैं गिल्ली डंडा खेलते हो वो एक नियर एक पाउंड के निये जाते थे पुराने उसमें और डुमरा एक टाउन था बिहार में वहाँ पे खेलते थे वो उनका डेली का ये रूटीन था और शाम को उनका बिहारी टेंपल में वो गाते थे भोजपुरी चेता एक भजन टाइप का होता है ऐसे करके और शाम को क्या था उनको जो महाराज थे वहाँ के बिहारी टेम्पल के जो पुजारी थे और वहाँ के महाराज थे उन्होंने जो भी आते थे बच्चे उनको वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव के जी का एक लड्डू दे देते दे थे नाम में कि मान लो जितने बच्चे आते थे उन सबको और वो ये कहते हैं हमारे बिसमल्ला खान ये अस्सी साल पहले हुआ था ये सब जब वो बच्चे थे अब क्या था उन्होंने इतना इतना सबक तय किया कि आज उन्हें क्या है भात रत्न मिल चुका है हमारे जो बिमिनल्ला खान है वो याद कर रहे हैं उस टाइम को पुराने टाइम को अब उन्हें क्या है भात रत्न मिल गया ये लगभग दो हज़ार एक की बात है जब उन्हें ये मिला था तो अब शुरू करते हैं उनकी जो हाँ, उनकी जो उनका जो जन्म में कब हुआ और उन्होंने कैसे कैसे आगे करके वो सेनाई पे सैनाई सीकी ये सब तीन चार पैराग्राफ में आएगा तो लास्ट के जो पैरा पैराग्राफ आएंगे उनकी जो कुछ उपलब्ध उनकी जो कुछ उपलब्धियाँ वो आएंगी और लास्ट में उनके इमोशंस आएंगे कुछ ओके तो क्लियरली पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आएगा तो चार त चार इक्कीस मार्च नाइन जो नाइनटीन और सिक्सटीन को उनका जन्म हुआ बसमी अल्लाह खान का एक जानी हुई फैमिली में जो बिहार में थी म्यूजिक के लिए फेमस थी पूरे बिहार में वो फैमिली उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान वो शहनाई के एक कोर्ट में भोजपुर के किंग के कोर्ट में एक, एक गायक थे उनके फादर पैगम्बर बख्श बख्श भी एक ऐसे वो थे म्यूजिशियन थे मतलब टोटली क्या था उनका जो पूरा पूरे पूर्वज थे उनके सारे संगीतकार थे म्यूजिशियन थे जब यू यंग जब वो हमारे बसमल्ला खान यंग थे तो उनकी क्या था उनकी माम उन्हें ले गई अपने भाई के यहाँ मतलब जो हमारे बसमल्ला खान थे वो अपने मामा के यहाँ पे चले गए जिनका नाम था अली बख्श बनारस चले गए डुमराव से वहाँ पे क्या किया उन्होंने धीरे धीरे करके जो उनके अली अलीब्स जो उनके अंकल थे मेटल अंकल थे उनके पास वो डेरी सीखते थे उनके जैसे ही जो अली अलीब्स थे वो प्ले करते थे संगीत तो वो भी बैठ पास में बैठते थे उसको ऑब्जर्व करते थे उन चीज़ों को बनारस में एक टेम्पल था विष्णु टेम्पल वहाँ पर जो अली बख्स थे वो उनकी नौकरी थी शहनाई प्ले करने के लिए तो धीरे धीरे करके जब बिस्मिल्ला खान थे उन्होंने इसको सीखा और वो अपने जो अंकल थे अंकल से चैप्टर्स अपने जो लेसन थे उन्हें सीखने लगे और इंस्ट्रूमेंट को ढंग से समझने लगे और जब वो जब वो आगे थोड़ा सा बढ़े एक टेंपल था बालाजी टेंपल और मंगला में एक टेम्पल था वहाँ पे गंगा रेबर के किनारे पे तो वहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ में वहाँ पे गए अभ्यास के लिए कोई फंक्शन हुआ कोई अभ्यास हुआ वहाँ पे गए वो तो वो बताते हैं बिस्मला खान जो गंगा का जो राग है उन, मतलब उन्हें मोटिवेट करता है जंग जो गंगा का जो पानी है उन, उनकी जो लैस हैं उनको उन्हें उन, मतलब उन हेल्प करता है प्लेइंग में, में अब क्या हुआ आगे जब वो चौदह साल के थे तो क्या हुआ उनके जो अंकल थे इलाहाबाद चले गए एक कॉन्फ्रेंस के लिए और फिर क्या हुआ उस्ताद फैयाज खान नाम का एक व्यक्ति था उसने बिस्म खान की जो बैग थी उसको ऐसे पैट किया और उसे समझाया कि उसे कहा बेटा तुम तो बहुत आगे जाओगे ऐसे कहा उनसे कठिन वर्क करो तुम तो आराम से सफल हो जाओगे ऐसे कह दिया उन्होंने फिर क्या हुआ 1938 में जो बिस्मिल्ला खान थे वो ऑल इंडिया रेडियो पे आए और वो पूरे उसमें वर्ल्ड में छा गए पहली बार वो लखनऊ में उन्होंने शुरू किया और पूरे इंडिया में छा गए जब इंडिया ने फ्रीडम प्राप्त कर ली गेट कर ली नाइनटीन में तो बिस्मिल्ला खान को इन्वाइट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी के द्वारा अन्य के द्वारा कि भाई अपने लोगों को यहाँ से एड्रेस करो तो उन्होंने रा काफ़ी वहाँ से रेड पोस्ट से गाया और पूरे जो ऑडियंस थे इंडिया के उन्हें अपनी ओर खींचा उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं गांधी जी उन्होंने अपना फेमस स्पीच दिया जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टनी ओके तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ जैसे तो उन्होंने स्पीच दिया उसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान हैं उनको अभी भी याद है पूरी अपनी जो उनकी जो मेमोरीज हैं वो अब्रॉड भी गए इंडिया भी गए उन्होंने बहुत सारी ट्रिप की जो पहली ट्रिप थी उनकी विदेश की वो थी हमारी अब आप, अफ़गानिस्तान गए वहाँ पे जो किंग जाहिर शाह थे उनसे बहुत प्रश्न हुए उन्होंने बहुत सारे प्राइजलेस गिप्ट दे दिए इसके बाद जो किंग अफगानिस्तान अप, थे उन्होंने उनसे बहुत ही मतलब उनके जो म्यूजिक को बहुत ही उसकी सराहना की और उनसे आ, जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने क्या किया उनसे इम्प्रेस होके एक एक फिल्म बना डाली जिसका नाम था गुंजूठी सेनाई क्लियर तो अब जो देखो वो फेमस होते जा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान तो लोग भी उनके और उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं एक जो फिल्म डायरेक्टर थे उन, उन, वो भी वो भी उनसे इम्प्रेस हुए उन्होंने एक फिल्म बना दी उनके नाम पर उनकी सेनाई के नाम पर उसका नाम रख दिया दिल का खिलौना टूट गया ओके okay. तो ये सब उन्होंने सेनाई सुनाई के दम पे उन्होंने फिल्मों में कदम रखा लेकिन फिल्मों में उनका इतना मन नहीं था बिस्मिल्ला खान कहते हैं कि मैंने केवल दो ही फ़िल्म की एक तो वो की थी गूंज उठी सनाई और एक की थी सन्नादी अपन्ना जो कन्नड़ फिल्म थी उन्होंने दो ही फ़िल्म की थी उन्होंने ये कहा कि मुझे जो फिल्मी दुनिया से मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये सब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर कर सकता हूँ इनके अकॉर्डिंग ये सब कहते हैं आगे क्या हुआ तो जो हमारे बिस्मिल्ला खान थे वो बहुत पॉपुलर हो गए पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में और उन्हें पहले ही वो भारतीय बने जिन्हें लिंकन हॉल में उन्हें इन्वाइट किया गया था यू द्वारा उन्होंने वहाँ पर पार्ट हिस्सा लिया आर्ट फेस्टिवल हुआ था उसमें पार्ट लिया और ओषा का ओषा का शहर है अमेरिका में उसमें टिकट फेरा था उसमें पार्ट लिया और उन हिस्सा लिया इसलिए वो पूरे उसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो जान पे जान जाने जाने लगे और तहरान के जो किंग थे उन्होंने तो उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना दिया तहरान में उनके नाम पर दिया कि तहरा तहार मौसकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना दिया भाई मान लो कि कोई आपका आपके पास पैसा है आप किंग हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट में आपके पास अच्छा रैंक है आपका कोई आइडियल है आप उसकी उसके लिए मूर्ति बनवा देते हो ये करवा देते हो तो ये तो आम बात है तो ऐसे ही बिस्मिल्ला खान से खान के लिए वो बहुत ही बड़े फैन हो गए थे वहाँ के जो सम्राट थे उनके लिए एक ऑडिटोरियम बना दिया उनके नाम से तो जिसमें खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको पद्मश्री मिला पद्म भूषण मिला पदम पद्म भूषण मिला ये सब उन्हें नाम मिले तो आगे क्या होता है दो हज़ार एक में उस्ताद बसम खान को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सबसे हाइस्ट सम्मान है भारत रत्न उन्हें दिया गया उन्हें दिया और उन्होंने उसको अपने चेस्ट पर रखते हुए अपने आँखों को चमकाते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए जब उन्हें ये सम्मान मिला तो उन्होंने सभी पूरे इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से कहा कि भाई अगर बच्चे में एबिलिटी है तो उसे संगीत सिखाओ उसने कहा कि ये हिंदुस्तान का क्या है सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है परंपरा है प्रा, प्राचीन परंपरा है भारत की भारत शुरू से ही हमारा जो इंडिया है वो संगीत में अग्रिम रहा है और वो कहते हैं कि जो वेस्ट भी हैं वो भी हमारे यहाँ संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं वो कहते हैं जो पश्चिमी लोग हैं जो वेस्ट जानते हैं वेस्ट होता है आपका पश्चिमी लोग जो यूरोपियन लोग होते हैं उन्हें कहते हैं तो जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो भी हमारे यहाँ आ रही है संगीत संगिस्टी, सीखने के लिए वो ये सब कहते हैं और अब वो बिस्मिल्ला खान वो कहते हैं कि मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है और वो जो लोग थे उन्हें खान साहब के नाम से जानते थे उन्हें शौक से कहते थे जैसे कहते खान साहब जैसे मामले में उसको कहते हैं तो उनका ऐसा कहते थे जैसे सरनेम बोलते हैं जैसे शर्मा जी गुप्ता जैसे बोलते हैं तो ऐसे खान साहब बोलते थे उनको लोग प्यार से और जो हमारे बिस्मिल्ला खान थे उनको लगाव था बनारस से और डुमराव से बहुत ज़्यादा लगाव था और रिवर गंगा से एक बार क्या हुआ एक घटना घटी गट, एक घटना हुई एक उनका स्टूडेंट था यू में उसने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं आप हमारे यू में एक स्कूल खोल लें हैं सेनाई का तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं नहीं कर सकता लेकिन फिर भी जो हमारा जो जो उनका स्टूडेंट था उसने क्या किया उनको एजोर किया कि सर मैं ऐसा कर लूँगा मैं यहाँ पे ना जो आपका जैसे बनारस है ऐसा माहौल कर दूँगा यहाँ पे मैं टेंपल बनवा दूंगा और बहुत सारा माहौल कर दूँगा यहाँ पे ऐसा लेकिन जो जवाब हमारे जो खान साहब हैं वो जवाब देते हैं कि बेटा आप लोग मंदिर तो बनवा दोगे यहाँ पर लेकिन आप रिवर गंगा कहाँ से लाओगे बताओ अगर आप रिवर गंगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते तो मैं भी आपका यहाँ पर स्कूल खोल लूँगा ये सब कहते हैं लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना रिवर गंगा को वहाँ से वहाँ से वहाँ के ले जाएंगे टेम्पल्स तो आप क्रिएट कर सकते हैं तो हमारे जो रिसमल खान है वो बहुत याद करते हैं अपने इंडिया को जब वो बाहर रहते हैं विदेश में रहते हैं और वो कहते हैं कि आगे जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मैं याद करता हूँ भारत को जब मैं मुंबई में होता हूँ तो याद करता हूँ वाराणसी बनारस को और वाराणसी एक ही बात है वाराणसी को बनारस को या फिर होली गंगा को दोनों को याद करते हैं वो और जब वो बनारस में होते हैं तो वो मिस करते हैं अपने पुराने टाउन डुमराव को ओके okay? तो जो खान साहब थे उनकी जो लाइफ थी वो एक एग्ज़ाम्पल है कल्चरल हेरिटेज का उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हालांकि वो मुस्लिम मुस्लिम थे फिर भी उन्होंने क्या किया जो काशी विश्वनाथ टेम्पल उसमें कई बहुत टाइम तक जो सेनायती प्ले की हालांकि वो कट्टर मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने कुछ कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम होते मैं टेम्पल में ये नहीं करूँगा मतलब वो रूढ़ीवादी कम थे जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान हैं उनका जो लास्ट है वो अंतिम जो जो अंतिम जो सांस ली थी उन्होंने 21 अगस्त 2006 को ली थी जब वो नाइन नाइन्टी ईयर के हो गए थे नाइन्टी ईयर से भी ऊपर हो गए थे और उन्हें बहुत एक बीमारी सी हो गई थी उससे वो आगे कभी उठ नहीं पाए और उन्हें पूरे राज्य के सम्मान साथ में उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया और गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसने डिक्लेयर किया गया का किया कि भाई एक दिन का राष्ट्रीय शौक रखा जाएगा बसमल्ला खान के उसके लिए ओके तो बेटा ये थी आपकी बायोग्राफी बसमल्ला खान की अभी भी कोई डाउट हो तुम्हारे माइंड में तो मुझे बताइएगा मैं आपका जो भी डाउट होगा उस पर उसको क्लियर कर दूँगा ओके थैंक यू और ये पूरा वीडियो देखें